प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 क्षितिज का अध्याय 10 नेताजी के चश्मा के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? यद्यपि चश्मे वाला कद और काठी वेशभूषा और चाल ढाल किसी से भी एक कैप्टन जैसा प्रतीत नहीं होता था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसका अत्यंत सम्मान भाव देखकर लोगों ने आदर या व्यंग्य से उसे कैप्टन कहना शुरू कर दिया होगा। आजाद हिंद फौज में रहे अनेक सेनानी कैप्टन कहकर पुकारे जाते थे, यथा कैप्टन ढिल्लन, कैप्टन लक्ष्मी, कैप्टन शाहनवाज आदि। इसी ढर्रे पर लोगों ने चश्मे वाले को भी विनोदवश कैप्टन नाम दे दिया होगा। प्रश्न 2, हालदार साहब ने डॉक्टर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसका कह हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब नेताजी की मूर्ति पर कोई न कोई चश्मा लगा हुआ देखने के आदि हो गए थे। कस्बे में प्रवेश करने से पूर्व अचानक उन्हें ध्यान आया कि चश्मे वाले की मृत्यु हो चुकी है और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला अब कोई नहीं था। नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखने की संभावना ने उनको मायूस कर दिया। खैर, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह संकेत करता है कि देश में अभी देशभक्ति की भावना जीवित है। कैप्टन की भावना को बनाए रखने वाले अभी मौजूद है। सरकंडे का चश्मा लगाने वाला कोई बालक ही
होगा। अतः बच्चों में देशभक्ति और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव, आशा और उम्मीद जगाता है कि आगामी पीढ़ी देश को अवश्य आगे ले जाएगी। इस तरह से आज की ऑनलाइन क्लास में इन तीन प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। अगली ऑनलाइन क्लास में हम शेष प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।